व्हाट्स अप गाइस, देखो आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं पोचिंकी की 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो भाई देखो यार, इन टिप्स एंड ट्रिक्स भाई बहुत ज़्यादा ही तगड़ी है यार। मैंने इनको पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, क्योंकि भाई देखो मैं जॉर्ज पुल में जहाँ तक कि कम आया और भाई पोचिंकी में हमेशा से ज़्यादा, और कभी भी कहीं से प्लेन जा रहा होता तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि भाई गाड़ी पकड़ के चाहे कूद फंद के भाई, लेकिन जाने तो भाई पोचिंकी ही है। क्योंकि भाई देखो यार, वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन भाई मज़ा आती है भाई पॉपुलेशन की एक तो, और भाई ये भी होता है कि वहाँ पे मतलब एक जगह से लगाव हो जाता है। अब जैसे जॉर्जो पुल से एक सेंट था, मतलब मैं जॉर्जो पुल ही जाता था और नोवो मतलब पूरा याद हो चुका था। फिर पता नहीं क्या मेरा मन करा, मैंने स्टार्ट कर दिया पोचिंकी जाना, और उस समय पोचिंकी पूरा मतलब फिर अच्छे से मेरे को याद हो गया, एक एक जगह याद हो गई। अगर मान लो यहाँ से स्क्वाड रश करती है तो यहाँ पे जाना है, अगर यहाँ से कोई आता है तो यहाँ पे जाना है, और सारी ट्रिक आ गई कि कहाँ पे कब जाना है मेरे को। तो भाई देखो यार, इन सब ट्रिकों को भाई मैंने एक बार थोड़ा सोचा, और मैंने सोचा भाई आप लोगों को बताया जाए। तो भाई देखो यार, आज मैं लाया हूँ भाई ऐसी बेहतरीन ये ट्रिक्स, भाई बहुत काम किया यार, एक बार यूज़ करके देखना यार, बहुत ज़्यादा ही काम की आपको मिलेगी। तो भाई देखो यार, क्योंकि ये ट्रिक भाई मेरे पूरे एक्सपीरियंस की थी, मैंने इन सब को ट्रिक को बहुत यूज़ करा भाई, पूरी स्क्वाड भाई पता ही है, तीन तीन चार चार स्क्वाड तो ऐसे उतरती रहती है पोचिंकी में। तो भाई देखो यार, वहाँ पे ऐसे उतरती रहती हैं, तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ये सब ट्रिकें एक्सपीरियंस करी, मतलब इनकी नीड थी, और मैंने इन सब ट्रिकों का यूज़ करना चालू करा, और काफ़ी ज़्यादा मेरे को रिस्पॉन्ड मिला, और काफ़ी ज़्यादा कम मैं मरने लगा। तो भाई देखो यार, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई बता दूँ यार, अभी भी वीडियो को ना लाइक कर दो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई वीडियो बहुत तगड़ी है। तो भाई चलो यार, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, हमारी पहली ट्रिक है जैसे इस घर की, इस वाले ब्लॉक की, जैसे आप देखो यहाँ पे जैसे कोई मान लो कैंप कर रहा है या फिर पूरी स्क्वाड कैंप कर रही है, तो भाई आप क्या करोगे, आप ऐसे रश करोगे डायरेक्ट तो भाई पक्का मरोगे। तो भाई देखो क्या होगा, आप यहाँ पर आओ, आप यहाँ पर गेट बंद कर दो। अब देखो भाई, यहाँ पर ऐसे आ जाओ आप, यहाँ से आपको नहीं कूदना, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे फिर उस पर एंगल मिल जाएगा और आपको वो उड़ा ले जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऐसे जंप मारोगे, अब देखो भाई पूरे घर का आपके पास एंगल है, अब देखो जहाँ पे भी जाना आपको जाओ, क्योंकि थोड़ा गन पीछे रख लेना, नहीं तो कभी कभी गन ग्लिच हो जाती है। और भाई इसकी एक और ये अच्छी बात है कि मतलब बगल में हाउस है, उसी की ट्रिक है, इससे सामने वाले को फुटस्टेप्स भी आता है, फुटस्टेप्स से बंदा मतलब एकदम चेतन मतलब क्या कहें। और देखो भाई उस पर फिर क्या होता है, बंदा मतलब बंदे को लगता है कि हाँ भाई कभी भी बंदा आ जाएगा, और उसको एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा। तो देखो हमें दूसरी ट्रिक है कि जैसे यहाँ पर स्क्वाड हाउस पर अगर आपको रश करना है, क्योंकि देखो भाई स्क्वाड हाउस में भाई बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज होता है भाई, ऐसे ही सब लोग जानते हैं। तो ये देखो, क्योंकि स्क्वाड हाउस पर ऐसे रश कर नहीं सकते, तो देखो इसके लिए आपको क्या करो, इस वाले बड़े वाले घर के इस रेलिंग पर चढ़ के यहाँ पर छलांग मार दो। अब देखो भाई यहाँ पर आपके पास पूरा एडवांटेज आ जाएगा। पहले कौन गाड़ी गई है, रुक जा भाई जा, चल एक सेकंड रुक गई चल भाई देखें कौन है, कौन है भाई, कौन हो, आ जाओ, चलो ठीक है। तो भाई देखो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे काफ़ी एडवांटेज, तुम पहले आ जाओ एक शॉट में। तो मैं देखो यार, जैसे यहाँ पे आपके अब पता ही है भाई क्या हुआ कि मतलब एडवांटेज आप पे आ ही जाएगा आपको। तो भाई देखो, अपनी ये थर्ड ट्रिक इसी वाले घर पे है। अब जैसे देखो भाई, यहाँ पे जैसे कोई रश मतलब कैंप कर रहा है या फिर कोई भी यहाँ पे है, बहुत मतलब आप पे हेल्थ भी कम है और आपको उसकी पोजीशन नहीं पता, क्योंकि भाई इस घर में किसी की पोजीशन आप नहीं जज कर सकते। तो देखो दूसरे घर पर आओ और उसकी छत पर आ जाओ। अब देखो भाई, आपको पूरी उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। मान लो अगर यहाँ पर जनरली लोग कैंप करते हो, यहाँ पर आप आराम से उसको मार सकते हो, क्योंकि भाई पीछे लोग कौन देखेगा भाई कि कौन यहाँ से आ भी सकता है। तो भाई देखो, आपको इससे फिर बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज आ जाता है। तो भाई देखो, अपनी फोर्थ ट्रिक है, जैसे इस घर पे कोई कैंप कर रहा है या फिर पूरी स्क्वाड कैंप कर रही है, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा घर है जहाँ पे मतलब पूरी स्क्वाड कैंप करती है। तो भाई देखो यार, क्या करो, यहाँ पर आ जाओ। तो इसके भाई देखो, यहाँ पर टॉप फ्लोर पर आ जाना, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर, और भाई देखो जहाँ पे ऐसे जंप मार के, और इसके ऊपर बस एक आपको खड़े होगे और आप वापस अपने मन से यहाँ पर आ जाओगे। अब देखो भाई, यहाँ पर ऐसे आप आ जाओ, एकदम लास्ट की आपको पूरी पोजीशन पता चल जाएगी। बस थोड़ी सी भाई ये ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, और थोड़ा सा इस ट्रिक को मतलब यूज़ केयरफुली करना, क्योंकि गिरे तो हो सकता है आपका वो बैंड बजा दे, क्योंकि भाई इसमें थोड़ा सा एडवांटेज उस पर भी थोड़ा सा होता है। अगर वो पीछे में कैम्प कर रहा है तो भाई उसको नहीं समझ में आने वाला। और भाई मैं प्रेफर करूँगा कि थोड़ा सा, जो है मैंने इस बार जानबूझ के नहीं कूदा, थोड़ा सा टेढ़ा आप कूदना, जिससे कि आपको मतलब वो स्पॉट ना इजीली कर पाए, क्योंकि नहीं तो खिड़की से थोड़ा सा आपको दिख जाएगा कि कैसे।
पर देखो जैसे हमारी फिफ्थ और लास्ट ट्रिक है, जैसे इस घर पर अगर आपको रश करना है, और काफ़ी लोग कैंप करते हैं मेरे को भी पता है, तो भाई देखो जैसे इस वाले घर पर आ जाओ और यहाँ पर ऐसे जंप मार दो। अब धीरे से आप यहाँ पर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर जनरली लोग यहाँ पर कैंप करते हैं, या फिर जो पीछे रेस्ट रूम है एक गद्दा बिछा हुआ पता नहीं क्या है वो, हाँ तो भाई उस पर लोग कैंप करते हैं। तो भैया देखो यार, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जैसे ये घर, ये ट्रिक जो है वो आसपास वाले घर पे यूज़ होती है, तो इससे क्या होता है भाई देखो, जैसे आप पे आपके फुटस्टेप सामने वाले को पता चलेंगे, और इससे आपके पास एक एडवांटेज ज़रूर होगा कि वो, हाँ भाई वो सतर्क में बैठा होगा और उसी जगह एकदम होल्ड करके बैठा होगा, भाई अगर बंदा आ गया तो मेरे को मारना है, क्योंकि भाई वो भी एकदम डरा हुआ है, क्योंकि उसे भी पता है कि भाई एक बंदे में तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही, मे भी अगर वो अच्छा नहीं खेलता तो भाई वो तो डरेगा ही। और भाई देखो बगल वाले उसमें घर में तो भाई फुटस्टेप्स आ रहे हैं, सामने वाला अलर्ट रहेगा, उसी जगह होल्ड करेगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, और इसी तरह देखो भाई आप पे काफ़ी एडवांटेज आ जाएगा। और भाई ट्रिक अच्छी लगी हो ना तो यार अभी यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि भाई ऐसी वीडियोज यार आती रहती हैं। और भाई देखो मैं ऐसी ट्रिक से पूरी मेहनत करके यार लाता रहता हूँ, भाई देखो मैं पूरी कोशिश करूँगा यार मैं आपके लिए लाऊँ ऐसी ट्रिक्स। और आपको किस ट्रिक और चाहिए, और कौन सी आपको ट्रिक्स चाहिए, और कौन सी जगह की ट्रिक्स चाहिए, कुछ जो चाहिए आप भाई एक बार कमेंट करो यार, मैं पूरी कोशिश करता हूँ लाने की। भाई देखो जैसा आप लोग मतलब कमेंट थोड़ा बहुत लोग करते हैं कि भाई, हाँ भाई वीडियो को मतलब रिस्पॉन्स करते हैं कि वीडियो कैसी लगी, और मतलब इसमें कुछ गलती हुई है तो भाई बता दो यार, मैं उसको अगली बार से सुधारने की कोशिश करूँगा। तो वही देखो यार आज की वीडियो अपने बस इतना ही, तो वही देखो यार आप, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।